जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक टॉपिक के विषय में। हम समझेंगे कि आखिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं और आज के समय में ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, कौन लोग इनका यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसको हम हिंदी में लघु वित्त बैंक के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज भारत के जो महानगर हैं या जो नगर हैं यानी कि जो शहर हैं या छोटे शहर हैं वहाँ तक हमारे जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं वो ज़्यादातर बहुत अच्छी तरीके से पहुँच चुकी हैं। लेकिन देश में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बैंकिंग से जुड़ी सुविधाएँ नहीं पहुँच पाई हैं। वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित हैं। तो ऐसे लोगों तक बैंकिंग की सुविधाओं को पहुँचाने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये लाया गया। क्योंकि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो अक्सर ऐसी जगहों पर अपने ब्रांचेस खोलते हैं जहाँ पर ज़्यादा आबादी हो, लेकिन उन इलाकों का क्या जहाँ पर कम लोग रहते हैं, जहाँ पर पिछड़े हुए इलाके हैं, तो उनके लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। ऐसे इलाकों में इन स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोला गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोलने के पीछे मकसद ये था कि वहाँ के जो छोटे किसान हैं या छोटे व्यापारी हैं या फिर जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उन तक इन बैंकिंग की सुविधाओं को पहुँचाया जा सके, उनको इन बैंकिंग की सेवाओं का लाभ दिया जा सके। दोस्तों बात करें कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे काम करते हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में वो सभी सुविधाएं आपको मिलती हैं जो एक नॉर्मल बैंक में मिलती हैं। जैसे उस बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहाँ पर आप सभी तरह के ऑनलाइन या डिजिटल जो पेमेंट्स होती हैं उनको आप कर सकते हैं उस अकाउंट के जरिए। इसके अलावा आपको उन बैंक्स में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिए जाते हैं। उन बैंकों से जो वहाँ के किसान हैं, जो वहाँ के छोटे व्यापारी हैं वो लोन ले सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि ये इन नॉर्मल बैंकों से अलग कैसे हुए, तो अलग इस तरीके से हुए कि जब एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत करनी होती है तो उसमें नॉर्मल बैंक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम पैसा खर्च करना पड़ता है, कम पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर लगभग 100 करोड़ रुपए की जो एक पैसा होता है उसके अंदर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को आसानी से खोला जा सकता है। इसके लिए RBI वहाँ से लाइसेंस दे देता है, लेकिन जब बड़ी बैंक को खोलना होता है उसमें बहुत पैसा लगता है, हजारों करोड़ों तक बात चली जाती है। तो कम पैसे में पहली बात ये खुल जाती है, दूसरा कि जो नॉर्मल बैंक होती है उसको लोन देने के लिए कोई लिमिट नहीं होती, वो अपने कस्टमर को 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ कितने का भी लोन दे सकती है। लेकिन ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं ये अपने कस्टमर्स को एक निश्चित राशि तक जो कि कम से कम रहती है, जैसे मान के चलिए 20 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, इतने तक ही ये लोन अपने कस्टमर्स को या जो इनके खाता धारक हैं उनको दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ये नॉर्मल बैंक की तरह आपको आज जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, जैसे सेविंग अकाउंट पर आमतौर पर 3% से लेके 5-6% तक दिया जाता है, वहीं अगर FD कराते हैं तो उसमें भी 3-4% से लेके 7-8% तक या 10% तक किसी किसी बैंक में इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो इसका कोई डिफरेंस आपको वहां पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों आज देश के अंदर लगभग 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो कि देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हुए हैं और वहां पर वो कार्य कर रहे हैं। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं इनको डायरेक्टली कंट्रोल और मैनेज किया जाता है RBI के द्वारा, यानी कि इनके जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो पॉलिसी बनाई जाती हैं उस पर RBI का हाथ होता है। तो आप कह सकते हैं कि इन स्मॉल फाइनेंस बैंकों में अगर आप अपना पैसा रखते हैं या इनमें कोई निवेशक निवेश करता है तो आपका जो पैसा है वो पूरी तरह सुरक्षित है। तो दोस्तों ये जो आप कह सकते हैं जो ग्रामीण इलाके हैं, जो वंचित इलाके हैं जहाँ तक बैंक अभी नहीं पहुँच पाए हैं या जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, ऐसे क्षेत्रों के लिए इन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाया गया ताकि वहाँ के लोगों को भी बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ा जा सके और वहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे किसान हैं उनको एक लोन की सुविधा वहाँ पर उनको दी जा सके। इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं और इनका काम क्या है। और ऐसी जानकारी भरे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।